हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर मरते हुए इंसान को भी बचा लेते हैं। वहीं बहुत से डॉक्टर इससे भी आगे बढ़कर लोगों के लिए काम करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर अनीश प्रकाश के बारे में, जो पिछले कई सालों से गरीब और जरूरतमंद लोगों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। डॉक्टर अनीश प्रकाश बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। इनका नयन ज्योति सेवा संस्थान के नाम से एक छोटा सा अस्पताल है, जहां रोजाना इलाज कराने के लिए अलग अलग जिलों से मरीज आते हैं। डॉक्टर अनीश प्रकाश ने लोकल 18 से बातचीत के दौरान बताया कि एक बार उनके पिता मणि मोहन प्रसाद सिंह अपना इलाज कराने गया गए हुए थे। इस दौरान वह भी अपने पिता के साथ थे। वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्होंने सोचा कि जब वे अपने पिता का इलाज सही से नहीं करवा पाए तो यहाँ के अनाथों का इलाज कैसे होता होगा। कुछ समय के बाद उनके पिता का भी निधन हो गया। इसके बाद डॉक्टर अनीश ने लोगों को मुफ्त में आँखों का इलाज देना शुरू कर दिया। इनके द्वारा इलाज में कहीं भी आयुष्मान योजना बाधा नहीं बनती है। यहाँ आधार कार्ड नहीं होने पर इलाज कर दिया जाता है। इलाज के लिए कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ इलाज कराने आए वृद्ध किशन राम कमला देवी ने बताया कि हम लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। डॉक्टर अनीश प्रकाश के यहाँ मुफ्त में इलाज के साथ साथ खाना की सुविधा भी मिलती है। मैं मेरे पिताजी को कैंसर हुआ तो मैं उस पर बहुत जगह इलाज कराने के दौरान कुछ लोग हमसे मिले थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आप सर एक बार वृद्धाश्रम आइएगा, बहुत गरीब लोग रहते हैं। हम उनको उसी समय अपना शेयर किए थे कि हम इस तरह से मतलब बेगूसराय में रूपदेव आई एन डेंटल हॉस्पिटल हमारा है और वहाँ हम गरीब लोगों का मुफ्त में रूपदेव नयन ज्योति सेवा संस्थान के माध्यम से ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसी क्रम में हम जब गया में सहारा नाम का एक वृद्धाश्रम है, तो वहाँ बहुत सारे लोग जब हम देखे वहाँ, तो उन लोगों को देख करके लगा कि तो कोई दिखने वाला है ना, बाल बच्चा रोड पर चलाए लोगों को वो लोग कर रहे थे। तो उसी दिन हम बीरा उठा लिए थे कि हम पूरे बिहार का जितना भी वृद्धाश्रम है उसका सबका हम कैटरेक्ट जो हम कर सकते हैं वो हम पूरा करेंगे। इसमें हम बेसिकली जो है सो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी जो DVCS के नाम से जाना जाता है, तो ये हमें 2 साल से अभी मिला है। किन किन दिनों का अभी तक इलाज किया? तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था गया से, और गया के बाद मैं नालंदा, फिर नवादा, फिर बरबीघा, फिर शेखपुरा, और आज भी जैसे हमारे यहाँ 3 जिले के पेशेंट हैं, नवादा से हैं और नालंदा से हैं और इंदिरा वृद्धाश्रम बरबीघा से, और इन लोगों को हम अपने यहाँ गाड़ी से आना जाना और यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान जितनी सुविधाएं होती है खाने से लेकर के दवा तक, खाना चश्मा तक, ये सब हम इसी मुफ्त में। इसी जब हम अपना काम करेंगे तो जो लोग हमारे यहाँ 500 से ऊपर चिकित्सक हैं बेगूसराय में, 2 ही लोग 3 ही लोग 4 ही लोग 10 ही लोग इससे अभिभूत होंगे हमारे कार्य से, तो कुछ लोग हमारे साथ होंगे इस तरह के काम में, और इससे हमारा देश का उज्जवल भविष्य होगा। जो डॉक्टरों के प्रति लोगों का अभी नजरिया गलत होते जा रहा है कॉरपोरेट पे आने के बाद, तो इस तरह से लोग डॉक्टर को हे दृष्टि से देखने लगे। तो हम जिस तरह का काम कर रहे हैं, हमारे 10 साथी को अगर पसंद आया, अगर वो 10 ऐसा करते हैं तो हमारे देश में जो गरीबी के कारण लोग को ब्लाइंडनेस हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। पैसे नहीं रहने के कारण कैटरेक्ट एक ऐसा बीमारी है जो एजिंग प्रोसेस से होता है, तो उस कारण जब तक आदमी यंग रहता है तो वो आदमी कुछ भी कमा सकता है, और जब वृद्धावस्था में जाने के बाद उसको कोई देने वाला नहीं होता है। लोग भौतिक युग का ज़्यादा यहाँ प्रचलन आ रहा है, इस कारण से लोग माँ बाप को देखना ही पसंद नहीं करते, छोड़ देते हैं। लोकल 18 बेगूसराय से नीरज कुमार की रिपोर्ट।